कांकेर जिले के मानकोट में प्राइमरी स्कूल का भवन जर्जर हो जाने से बच्चों को झोपड़ी में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने कई मरतबा नए स्कूल भवन के निर्माण की मांग की, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं की गई, जिसके चलते बच्चों पर मंडराते खर्चे को देखते हुए ग्रामीणों ने स्कूल के सामने ही लकड़ी की झोपड़ी तैयार कर ली है, जहां बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल में कुल 35 बच्चे हैं, लेकिन भवन नहीं होने के चलते झोपड़ी में पढ़ाई करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ रहा है। पहली से लेकर पांचवीं तक की क्लास एक ही झोपड़ी में संचालित होती है और ये हालात पूरे 3 साल से बने हुए हैं। अब ऐसे में बच्चों की नींद कैसे मजबूत होगी और ग्रामीणों को यही चिंता अब सताती रहती है। जर्जर हुए हैं, हाँ। हम उधर चुप थे, हाँ। तो अभी कहाँ बैठ के पढ़ाई करता हूँ? हाँ? हम सीट और झोपड़ी में बैठते हैं। अभी ये झोपड़ी में लगा रहे हैं सर, सरपंच के द्वारा निर्मित किया गया है अस्थायी रूप से इसी में। किस कारण से झोपड़ी में लगाना पड़ रहा है? वो जो भवन बना है वो जर्जर है, पूरा सीपेज होता है, पानी टपकता है, बैठने लायक नहीं है, पूरा खराब है, स्कूल जर्जर हो गए, जर्जर हो गए, पानी टपकते हैं, पानी टपकते। कब से यहाँ लगा था झोपड़ी में? झोपड़ी सुशील सलाम, ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुशील, 3 साल से झोपड़ी में स्कूल चल रहा है और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को इस पूरे मामले में जानकारी नहीं क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, आजादी के 71 साल बीत गए हैं, लेकिन कांकेर जिले के खासकर अंतर्गत कोलीगढ़ ब्लॉक में ऐसे आधा दर्जन स्कूल होंगे जो कि झोपड़ी में संचालित हो रहे हैं। वहीं हमने जहाँ रब पंचायत चातरी गांव मानकोट पहुंचे थे, जहां पर बच्चे झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे थे, जिसके बाद हमने स्कूल के शिक्षक से पूछे तो उनके द्वारा कहा गया कि हमने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भवन जर्जर है बोल के अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा भी अब तक ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद इन्होंने ग्राम के पालक जो कि उन्होंने जिला प्रशासन के पास गए थे और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के पास गए थे। और कौन है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और जिला शिक्षा अधिकारी कौन है, जिले के कलेक्टर साहब कौन है, जिनको ये स्थिति नहीं दिख रही? जी बिल्कुल, जिले के तमाम अधिकारियों के पास इसकी शिकायत पहुंच चुकी है, लेकिन जिले के तमाम अधिकारी सिर्फ कागज को हो जाएगा बोल के बोलते हैं, उसके बाद कुछ करते ही नहीं, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश का माहौल भी देखा जा रहा था। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह जिला प्रशासन के पास कई बार गए लेकिन उनके द्वारा नहीं बनाया गया, जिसके बाद मजबूरन बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल के बाउंड्री वॉल के नजदीक ही उन्होंने एक झोपड़ी का स्कूल बनाया है, जहां पर लगभग 3 साल से संचालित कर रहे हैं। अभी क्या स्थिति है, क्योंकि जब और ज्यादा बारिश होगी तब ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या स्कूल की छुट्टी कर दी जाएगी? जी वहीं शिक्षकों का कहना है कि ज्यादा बारिश होने से कुछ बच्चों को आंगनबाड़ी भवन में शिफ्ट करके पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चे 35 बच्चे होने के चलते वहाँ आंगनबाड़ी भी थोड़ा कम पड़ता है, तो बहुत से बच्चे बारिश होने से स्कूल ही नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।